नागा साधु। नाम सुनते ही सबके दिमाग में बड़ी बड़ी जटाओं वाले बाबाओं की तस्वीरें सामने आ जाती है। कुंभ का नजारा दिखता है जिसमें उछलते कूदते निर्वस्त्र साधुओं का झुंड नदी में स्नान करने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि कुंभ एक ऐसा समय होता है जब नागा बाबा हमें हर तरफ टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। राख में लिपटे हुए बिना लिबास वाले, माथे पर तिलक, हाथों में त्रिशूल, आंखों में हरदम एक अलग सा गुस्सा, जुआ पर हमेशा हर हर महादेव का नारा। आखिर क्या है इनकी पहचान जिनके क्रोध से शासन और प्रशासन भी थर्रा उठता है? कैसे बनते हैं नागा साधु और क्या है इनका अद्भुत रहस्य? और कैसे इन धर्म योद्धाओं ने मुगलों से और अंग्रेजों से लड़कर धर्म की रक्षा की है? और कैसे इन्होंने ज्ञानवापी और अयोध्या राम मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, जानेंगे आज के वीडियो में। इससे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि नागा साधु बनते कैसे हैं और कौन है नागा साधु। नागा साधु वो है जो कर्म से हटी और धर्म के रक्षक होते हैं। ये लोग संस्कृति की आन है, सभ्यता के पहरेदार हैं। कहा जाता है कि नागा बनने की परंपरा त्रेता युग से ही शुरू हो गई थी और इसे भगवान दत्तात्रेय ने ही शुरू किया था, जिस काम को बाद में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने आगे बढ़ाया था। नागा साधु बनने के लिए लगभग 12 साल लग जाते हैं। ये 12 साल कोई मौज मस्ती नहीं, बल्कि वो कठिन तपस्या, कठिन साधना करके बिताना होता है, जहां उन्हें खुद का यज्ञोपवीत और पिंडदान करना होता है। सुनकर हैरानी जरूर होगी, क्योंकि पिंडदान मरने के बाद होता है, वो भी मरने वाले का कोई रिश्तेदार करता है, लेकिन नागा बनने के लिए अपने हाथों अपना अंतिम संस्कार करना पड़ता है। किताबों में भले ही नागा साधुओं को योद्धा के रूप में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिश भी बेकार होने लगी, तब तब नागा साधुओं ने न सिर्फ हथियार उठाए हैं, बल्कि जान देकर या फिर जान लेकर धर्म की रक्षा की है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने जब चार मठों की स्थापना की, तब उन्हें इस बात की जरूरत महसूस हुई कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र का ज्ञान देना काफी नहीं है, बल्कि शस्त्र का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की, जिसमें मर मिटने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। नागा साधु उन्हीं अखाड़ों में से निकले हुए धर्म के रक्षक हैं। 18वीं शताब्दी में जब अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय करने निकला, तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र दरिंदे की तरह किया जाता है। अब्दाली जब दिल्ली और मथुरा पर आक्रमण करता हुआ गोकुल पहुंचा, कृष्ण की नगरी में पहुंचा और गोकुल के आध्यात्मिक धरोहरों को तोड़ने की कोशिश की, तो हिमालय की गुफाओं से हजारों की संख्या में नागा साधु निकले और फिर कुछ 5,000 साधुओं की सेना कई हजार सैनिकों से लड़ गई। पहले तो अब्दाली साधुओं को मजाक में ले रहा था, लेकिन थोड़ी देर में उसको एहसास हो गया कि जिनसे वो लड़ रहा था कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात महाकाल है। कहा जाता है कि इस लड़ाई में लगभग 2,000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन दुश्मनों की सेना को 4 कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया था। इस कदर उनकी सेना का संहार किया कि अब्दाली की सेना को मुंह छपाकर भागना पड़ा था। इनकी लड़ाई का एक जिक्र गजेटियर्स में भी मिलता है। 1751 में अहमद खां बंगश ने उसमें प्रयागराज कुंभ पर आक्रमण किया था, तब नागा साधु स्नान कर रहे थे। जिक्र आता है कि पहले साधु ने सारे संस्कार पूरे किए, उसके बाद उन्होंने बंगश की सेना का संहार किया। 3 महीने तक ये लड़ाई चली, उसके बाद बंगस की सेना ने साधुओं के सामने सरेंडर कर दिया। 1666 ईस्वी के हरिद्वार कुंभ मेले के अवसर पर औरंगजेब की सेना ने आक्रमण किया, तो नागा सन्यासियों ने जमकर उनका सामना किया। इस लड़ाई में संतों की धर्म ध्वजाएं देखकर मुगल सेना के मराठे भी संतों के दल में आ गए और औरंगजेब को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा था। इसके पहले भी 1664 में औरंगजेब की सेना ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तब उसे नागाओं ने ही मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसे बैटल ऑफ ज्ञानवापी कहा जाता है। इस बैटल में भी औरंगजेब की सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। जब 1757 और 1764 की लड़ाई जीतकर अंग्रेज मजबूत हो गए थे और उन्होंने गरीब किसानों और जमींदारों का शोषण करने के साथ तीर्थयात्रियों के तीर्थ स्थलों को यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, तब एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें सन्यासी, नागा साधु और हिंदू लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई। मंजर शाह, भवानी पाठक, मूसा शाह और देवी चौधरानी इसमें प्रमुख आंदोलनकारी थे। 1770 ईस्वी से शुरू होकर ये लड़ाई 1820 में जाकर खत्म हुई थी, जिसे सन्यासी विद्रोह का नाम दिया गया था। पूरा वर्णन बक्किमचंद चटर्जी की किताब आनंद मठ में मिल जाएगा, जिसे क्रांतिकारियों का भगवत गीता कहा जाता है। नागा साधुओं की वीर गाथा की कहानी यही खत्म नहीं होती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि को बचाने के लिए भी नागा साधु ने भारी बलिदान दिया था। यहाँ संत बालानंद ने अपने गुरु भाई मानदास के साथ मिलकर मुगल सेना के खिलाफ लंबे समय तक मोर्चा लिया। राम मंदिर के लिए चले लंबे संघर्ष के दौरान 76 बड़े युद्ध लड़े गए थे, जिसमें बाबा वैष्णवदास, संत बलरामाचार्य, स्वामी महेशानंद, राजगुरु पंडित देवीदीन पांडे जैसे कई सन्यासी योद्धाओं ने विधर्मियों से जूझते हुए अपने जीवन की आहुति दी थी। और ये तो सिर्फ कुछ नाम बताए हैं, लेकिन राम मंदिर को बचाने के लिए बाबर की मुगलिया सेना से लड़ते हुए लाखों की संख्या में नागा साधु ने अपना बलिदान दिया था। भले ही इतिहास की किताबों में इनके बलिदान को ज्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन 18वीं सदी में धर्म की रक्षा के लिए सन्यासी विद्रोह के नाम से आपको कई उदाहरण मिलेंगे। इनमें से अधिकतर नागा साधु थे। देश की रक्षा के लिए तो हिंद की सेना खड़ी है, लेकिन जब जब धर्म के साथ राष्ट्र संकट में आया है, नागा साधु ने बलिदान दिया है। और इसका एक उदाहरण अभी हाल में ही देखने को मिलता है, जब देश की एक बेटी नुपुर शर्मा को उसके एक बयान के कारण विश्व के कई कट्टरपंथी देशों से धमकी आ रही थी।
अपने ही देश में सरतन से जुदा होने के नारे लगाए जा रहे थे। उनकी पार्टी ऐसे मौके पर उनका साथ छोड़ दी है, खुलकर उनका समर्थन करने की हिम्मत नहीं हो रही किसी में। ऐसे मौके पर नागा साधु ने न सिर्फ खुलकर समर्थन किया बल्कि पूरे विश्व को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हर धर्म युद्ध में वो खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। नागा साधुओं की इन तप और बलिदानों के कारण इन्हें पूजनीय माना जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीते जी अपने मौत को गले लगा लिया है और संपूर्ण जीवन धर्म के नाम कर दिया है। अक्सर कई लोग इनके निर्वस्त होने का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें असभ्य कहते हैं, लेकिन भगवान शिव के उपासक इन नागाओं को लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सनातन धर्म के लोगों को शेयर करें, अपने धर्म के सच्चे रखवालों की सच्ची कहानी सबको बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत लोगों को मैसेज आता है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मौके पर दोस्तों आप लोग चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब कर दें, उसके बाद फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, आप लोग को नोटिफिकेशन आने लगेगा। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत जल्द टेलीग्राम पर भी मेरा एक चैनल बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, जहां पर मैं उन सभी वीडियोज़ को डालूंगा जो मैं आप लोग को यूट्यूब पर नहीं दे सकता, बाद में अपनी बातें भी रखूंगा वहां पर। तो बहुत जल्दी उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।